This call is now being recorded. ओके तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम जानेंगे सिबिल के बारे में, ट्रांस यूनियन सिबिल सर्विस। ओके तो इसमें हम देखेंगे किस तरह के कस्टमर आते हैं, प्रोफाइल ऑफ कस्टमर, बेनिफिट जानेंगे हम, एक हाई सिबिल स्कोर का बेनिफिट क्या होता है, कस्टमर के बेनिफिट, फ्रेंचाइजी की कमीशन, प्रोसेस क्या है इसका, एक सरल सा प्रोसेस है बीकेएमएस से, एक सैम्पल फाइल भी देखेंगे सिबिल की रिपोर्ट, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी की रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है और इसका पाथ क्या है, मतलब इसको एक्सेस करने का ट्रेनिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ओके और क्वायरी अगर रही, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क की डिटेल्स क्या होती है, क्या है वो भी हम जानेंगे। तो हमारे इस ट्रेनिंग का मोटिव या ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ सको कि वीकेएमएस को इस्तेमाल करके आप ट्रांस यूनियन सिबिल की रिपोर्ट कैसे किसी को दे सकते हो, डाउनलोड कैसे कर सकते हो और इसे आप कैसे सेल कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। तो शुरू करते हैं ट्रांस यूनियन सिबिल की ट्रेनिंग। अब इसमें अब एक बात जानिए, किस तरह के कस्टमर आता है। तो कस्टमर जो आएंगे आपके पास, ओके, वो है लोन के कस्टमर्स, कुछ भी लोन, कैसा भी लोन, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, फार्म के लिए लोन लेना है, एग्रीकल्चर का लोन लेना है, लैंड के ऊपर लोन लेना है, किसी भी तरह का लोन, घर लेना है किसी को, होम लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस के लिए, या घर कंस्ट्रक्ट करना है, होम लोन है, गोल्ड लोन है, किसी भी तरह का लोन है, तो इन लोगों को ये रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए लोन देते वक्त बैंक जो है वो सिबिल स्कोर को देखती है, सिबिल रिपोर्ट को चेक करती है और उसके बेसिस पर ही कस्टमर को लोन देती है। इसीलिए ये लोन के लिए, ऐसे किसी भी कस्टमर के लिए जिसको क्रेडिट चाहिए, उसके लिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बेनिफिट पहले समझ लेते हैं। फास्टर अप्रूवल हो जाता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एनहांस्ड बोरोइंग कैपेबिलिटी होती है। तो मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये है क्या। देखिए यूएस में तीन कंपनी थी, ट्रांस यूनियन एक्सपीरियंस, इक्विफैक्स, ये तीनों कंपनी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनीज हैं। तो ये तीनों कंपनी ने पहले बिजनेस की क्रेडिट रिपोर्ट बनाना चालू किया, वहां से शुरुआत की। उसके बाद में इन लोग तीनों कंपनी ने फिर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स बनाना चालू किया। ओके तो वहां पर ये बहुत पहले से यूज हो रहा है, हमारे स्टार्ट होने के काफी पहले, तो वहां पे क्रेडिट रिपोर्ट बनना शुरू हो गए। ओके अभी उसके बाद में वहां पे एक स्कोरिंग का सिस्टम था, तो एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है फाइको स्कोर, FICO, फाइको स्कोर। तो ये जो फाइको स्कोर होता है ये फाइनेंशियल मतलब एक पर्सन को एक स्कोरिंग मेथड बना दिया बेसिस ऑफ क्रेडिट, डेबिट, एसेट्स, लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी पर्सन का जो होगा, इंडिविजुअल का होगा, उसके बेसिस पर उनका एक फाइको स्कोर बनता है। ओके स्कोरिंग मेथड, वही स्कोरिंग मेथड यूज होता है हमारे यहाँ भी, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर जब इंडिया में बनाया गया तो पहले एक दफा आई थिंक सो शुरुआत में रिपोर्ट बनाई गई थी जो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसके बाद ये टास्क दिया गया सिबिल को और सिबिल के साथ में जो कंपनी जुड़ी उसका नाम है ट्रांस यूनियन। तो ये तीन क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज है यूएस की, उसमें से एक कंपनी है ये ट्रांस यूनियन, जिन्होंने सिबिल के साथ में टाई अप किया, अपनी एक्सपर्टीज यहाँ लेके आए ताकि हम भी क्रेडिट रिपोर्ट्स बना सकें। ओके तो जो हमारी रिपोर्ट है वो ट्रांस यूनियन सिबिल की क्रेडिट रिपोर्ट है। सारे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर एक तरह की फाइनेंशियल कंपनी अपनी रिपोर्ट्स भेजती है RBI को, साथ ही साथ ये शेयर होती है ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ। ओके इसीलिए जो सिबिल की रिपोर्ट होती है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है और उसमें इतनी सारी डिटेल्स कवर होती है। ओके तो जो भी परफॉर्मेंस एक पर्सन है, इंडिविजुअल, उसने कितने लोन भरे, कितने लोन मिस किए, कितने EMI बाउंस किए, कितने चेक बाउंस किए,
कितने सारे लोन उसके ऊपर चल रहे हैं, कितना उनका इनकम है, सारी चीजें उनके क्रेडिट रिपोर्ट्स में समझ में आती है। उसी के बेसिस पे एक स्कोरिंग होता है जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं। ओके, इंडिया में क्रेडिट रिपोर्ट को सिबिल रिपोर्ट भी कहा जाता है डायरेक्टली, और क्रेडिट स्कोर को डायरेक्टली सिबिल स्कोर भी कहते हैं। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आप समझ चुके हैं। तो बेसिकली बैंक के लिए क्या फायदा है या कस्टमर का क्या फायदा है? बैंक देखती है क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट, समझ जाते हैं अरे वाह इनका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, इनका स्कोरिंग बहुत बढ़िया है। तो वो क्या करते हैं, लोन बहुत जल्दी अप्रूव कर देते हैं। दूसरा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम क्यों देते हैं? जिसका स्कोर बढ़िया है, इसने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कभी किसी का हर एक का लोन बराबर से पे किया है, ये हमारा भी लोन दे देगा, इसको इंटरेस्ट रेट कम दे दो, रिस्क नहीं है। जितना रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा होता है, ये याद रखिए। ओके, एनहेंस बोरोइंग, इनको 10 चाहिए इनको हम 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, ये कस्टमर वैसे है, बैंक इस चीज को ऐसे देखती है। तो ये आप समझ गए ये स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का बेनिफिट हमारे यहाँ पे क्या है? तो देखिए इंडिविजुअल और बिजनेस सब अलग अलग रिपोर्ट्स होती है। तो एक कस्टमर जो हमारे पास आपके केंद्र पे आ रहे हैं वो इंडिविजुअल कॉपी, ओके, इंडिविजुअल रिपोर्ट आपसे खरीद सकते हैं। अभी एक सवाल आएगा कि हर एक पर्सन का हक होता है, ओके, सिबिल, अगर अगर ट्रांस यूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट बन रही है उनके ऊपर, तो उनको एक फ्री कॉपी मिलने का हक होता है। आपको शायद नहीं पता लेकिन वो सही है, वो खुद ट्रांस यूनियन सिबिल की साइट पर जाकर साल में एक कॉपी अपनी निकाल सकते हैं, एक फ्री कॉपी, पूरे साल का परफॉर्मेंस, साल के आखिर में उन्होंने देखा पूरे साल में जो भी हुआ है, वो एक सिबिल रिपोर्ट एक कॉपी वो ले सकते हैं फ्री में, उसमें उनको पैसे नहीं लगते। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक रिपोर्ट काफी नहीं होती, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है अपना क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। इम्प्रूव कैसे होता है, आप चेक करते हो कौन कौन सी चीजें आपके नाम पर दिख रही है, तो आप उन चीजों पे काम करते हो। आप देखते हो एक लोन गलत आपके ऊपर लगा है, ये तो आपका है ही नहीं, तो आप उसे करेक्ट करने के लिए बैंक में भेजते हो और वो उस बैंक से हट जाता है आपके नाम से। फिर जब नेक्स्ट मंथ में रिपोर्ट देखते हो तो उसमें दिखता है हाँ स्कोर बेटर हो गया, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, राइट। और आपने कोई एक सेटलमेंट किया था, सेटलमेंट नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो सेटलमेंट आप क्या करते हो, उसको बोलते हो मैंने जो फुल पे करना है, अब मेरे पास पैसे है, आपने फुल पे कर दिया तो पेड इन फुल दिखाई देता है रिपोर्ट पे, स्कोर बढ़ जाता है, तो वो आपके सिस्टम में दिखना जरूरी है। लोन बंद हो चुका है लेकिन वहां पर लोन दिख रहा है, तो आपने एनओसी वापस भेजा बैंक को कि मैंने तो लोन क्लोज किया है, अभी भी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे दिख रहा है, तो वो अपडेट करता है, फिर एक आध महीने 2 महीने में वो अपडेट होके दिखाई देता है। तो ये चेक करने के लिए तो आपको बार बार रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्रेडिट रिपोर्ट खरीदनी ही पड़ती है। ओके, चाहे वो हमसे खरीदे या ट्रांस यूनियन सिबिल की वेबसाइट पर जाके खरीदे, कस्टमर को सिर्फ वहां पे एक फ्री मिलती है, बाकी पूरे साल में अगर उनको चाहिए बार बार रिपोर्ट एनालिसिस के साथ, तो उनको उनको भी पैसे देने होते हैं वहां पर भी, और उनको साल में लेना होता है। तो मैं आपको बता दूं, 200 रुपये पूरे साल में 12 रिपोर्ट के लिए बहुत कम है, बहुत ही मामूली सी रकम है। ओके, एक ऐसा कस्टमर जो अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए तो ये बहुत ही मामूली सी रकम है, क्योंकि पूरे साल में वो 12 रिपोर्ट मिलेगी, 12 महीने में 12 रिपोर्ट, और वो अपना स्कोर धीरे धीरे बेटर कर पाएंगे, और एक ही बार पे करेंगे 200 रुपये। आपका बेनिफिट क्या है? अब इस इंडिविजुअल रिपोर्ट जिसके अंदर 200 रुपये लिए जा रहे हैं, आपको मिलते हैं 49 रुपीज कमीशन, बहुत ही बढ़िया कमीशन है, ये 25% के आसपास का कमीशन है, राइट। तो ये आपको मिलता है एक कस्टमर के ऊपर। अब आगे देखते हैं, अभी इसका पहले प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल सर्विस में आप पहले वीकेएमएस को ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड पर आप मेन टैब में देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस, अब इसके नीचे सब टैब होगा ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसमें होगा सिबिल स्कोर, आप उस पर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरह से ओपन होगा गेट योर सिबिल रिपोर्ट,
याद रखिए यहाँ पे जहां पे भी एस्ट्रिक्स है, लाल एस्ट्रिक दिखेगा आपको, ओके स्टार, वो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो क्या चाहिए हमें? पैन नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, पिन कोड, ओके। फिर जाना है नेक्स्ट। आगे हम क्या लेंगे? उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद पेमेंट। पेमेंट याद रखिए दो तरीके हैं। ऑनलाइन अगर आपने सिलेक्ट किया तो एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक पर कस्टमर जाएंगे और अपने अकाउंट से पे करेंगे, जो सीसी एवेन्यू का पेज होता है, तो वो अपना कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके उस पर डायरेक्टली पे करेंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, पे बाय कैश। पे बाय कैश में आप क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट से पैसा कटेगा और कस्टमर आपको ये पैसा कैश में आपके हाथ में दे देंगे, 200 रुपये आपको देंगे और आपके वॉलेट से 200 रुपये उधर कट जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ये आपने चूज कर लिया कौन सा पेमेंट मेथड है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड पे क्लिक करना है। तो अगर आपने ऑनलाइन चूज किया है तो ऐसा पेज ओपन होता है, ओके। पेमेंट गेटवे का स्क्रीन है ये, तो पेमेंट गेटवे पे कस्टमर अपना खुद का अकाउंट की डिटेल्स डालकर 200 रुपये पे कर देता है। ठीक है, ऐसे और आएगा। और अगर आपने चूज किया है कि नहीं कैश पेमेंट करनी है, कस्टमर ने बोला नहीं मुझे कैश पे करना है, तो आपको ऐसे आ जाएगा एक स्क्रीन, ओके। आप इसको कंफर्म करेंगे, तो याद रखिए पहले कस्टमर के नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओके। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके वॉलेट से 200 रुपये चले जाते हैं और इस तरह से आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन दिखाई देगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सीसी एवेन्यू पेमेंट डिटेल्स, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऑटोमेटिक होता है, 8 से 10 सेकेंड में पूरा प्रोसेस होता है। याद रखिए कोई भी पेमेंट पेज हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो या तो वॉलेट है, एक बार आपने ट्रांजैक्शन किया, क्लिक किया, रुक जाइए, बैक रिफ्रेश ये सब मत करना। ठीक है, अगर नेट स्लो है तो नेट पहले चेक कीजिए, फिर ये ट्रांजैक्शन कीजिए। नेक्स्ट, ये आपने कर दिया, अभी आगे का स्क्रीन आएगा, फाइनेंशियल सॉरी फ्रेंचाइजी सिबिल क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करेंगे। तो अभी आपको ना यहाँ पे क्रेडिट स्कोर दिखाई देगा, ओके। नीचे होगा रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, तो या तो आप रिपोर्ट निकालिए या डिटेल रिपोर्ट देखिए, ऊपर स्कोर भी दिख रहा है आपको। तो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में एकदम रेड है और एकदम एक्सट्रीम राइट में ग्रीन है, तो स्कोरिंग ही ऐसे होता है, फाइको स्कोर कहते हैं जिसे, फाइको स्कोरिंग सिस्टम है ये, तो क्रेडिट स्कोर उसी पे है। तो जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना बेटर, ओके। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी का अगर जीरो है, जीरो, तो जरूरी नहीं है कि वो खराब स्कोर है। कभी कभी किसी इंसान ने या किसी भी इंडिविजुअल ने कभी अपने लाइफ में क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया, क्रेडिट कार्ड नहीं वापरे, लोन नहीं लिया, सैलरी भी अगर आई तो वो डायरेक्टली पैसे विड्रॉ कर लिए एक ही बारी में, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए, तो उनका कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होता, ओके। उनका कोई क्रेडिट का परफॉर्मेंस नहीं होता, यानी कि क्रेडिट कार्ड को लिया और उसको पैसे भरे, यूज किया, इस्तेमाल किया, टाइमली पे किया, लोन लिया, टाइमली ईएमआई भरे, या डेबिट कार्ड से भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं किया है कभी, तो उनका स्कोरिंग सिस्टम जीरो पे चलता है। ठीक है, उन्होंने अभी तक उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उसका जरूरी नहीं है कि वो खराब है, उन्होंने शुरुआत ही नहीं की है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस है। आप डिटेल सिबिल रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, ओके। तो आपको सिबिल स्कोर यहाँ पे दिखता है, देखो सिंपल इसमें बताया है, पुअर, एवरेज, फेयर, गुड, एक्सेलेंट, 5 कलर में दिखा दिया है, बहुत साधारण है, आप ऐसे भी समझा दो तो भी चल जाएगा, ओके। क्या होगा, एक बार ये कर दिया आपने, कस्टमर को सिबिल आएगा, सिबिल का रिपोर्ट ईमेल आईडी से आएगा, sibil.report@vakrangi.in, इस ईमेल आईडी से भेजा जाएगा। अभी एक सैंपल देख लेते हैं सिबिल रिपोर्ट का। पर्सनल डिटेल में आपको दिखेगा उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, और आइडेंटिफिकेशन टाइप में इनकम टैक्स नंबर होता है, पैन सॉरी वोटर आईडी, तो राइट हैंड साइड में वो नंबर देख रहे हैं,
यहीं पर कभी कभी आपको तो एक चीज दिखाई देगी जिसे कहा जाता है एलियस। एलियस क्या होता है? ये उनके और नाम है जिनसे वो जाने जाते हैं। जैसे वासु लिंगम यहाँ पे नाम दिया है, गोविंदा राज वासु लिंगम लिंगम। अभी इनका समझिए कोई एलियस होगा, जैसे इनको गोविंद के नाम से जाना जाता है, सिर्फ गोविंद, राइट? तो एलियस में लिखा होगा गोविंद, गोविंद लिंगम, यू नो, ऐसे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा एलियस भी आपको पर्सनल डिटेल में दिखेगा। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में करंट जो भी उनका एट प्रेजेंट होगा है, एड्रेस परमानेंट वो दिखाई देता है, उसके अलावा बाकी एड्रेस भी दिखते हैं। ऐसे एड्रेस हिस्ट्री आती है, अगर बहुत सारे एड्रेसेस है, जैसे कोई रेंटल पे रहता है वो बहुत एड्रेसेस चेंज करते हैं, तो वो जब भी अपडेट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ओके, या ऑफिस में, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ से रिपोर्ट क्रिएट होता है, तो ये यहाँ पर अपडेटेड आपको लिस्ट मिलेगा। वो कितने ऑफिस में काम किए हैं वो उनका भी लिस्ट मिल जाता है आपको, उनके नंबर्स मिल जाते हैं, मल्टीपल नंबर्स हो तो मल्टीपल दिखेंगे। उसके बाद में उनका एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स आ गया, उसके नीचे आ गया उनका अकाउंट का डिटेल्स, उसके आगे आएगा उनके लोन का डिटेल, पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगा कि कितने लोन्स है, कितने पास्ट ड्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू, यानी कि कोई एक डेट है जिसपे पेमेंट होनी थी उसके बाद कस्टमर ने पेमेंट किया, ठीक है, तो उतने दिन पास्ट ड्यू दिखाएगा, ओके। तो ये सारा का सारा नेगेटिव पे जाता है कस्टमर के लिए, समझो पेमेंट नहीं की, बाउंस कर दिया, बाउंस चेक, पेमेंट डिफॉल्ट कर दी, तो 30 डेज 40 डेज पास्ट ड्यू हो गया, 90 डेज हो गया, राइट, कलेक्शन में चला गया, तो ये सब उनके स्कोर खराब करते वाली चीज है, ऑलराइट। सब इधर ही दिख जाता है आपको, इसे कहते हैं इंक्वायरी, ओके। तो ये जिसका भी सैंपल है ये बहुत ही बुरा सैंपल है, मैं इसको रीजन बताता हूँ आपको क्यों। तो जब भी किसी का क्रेडिट रिपोर्ट निकाला जाता है, उनके क्रेडिट रिपोर्ट पे एक इंक्वायरी क्रिएट होती है जो इंक्वायरी पेज पे दिखती है। तो इंक्वायरी क्यों बनती है, समझिए। अभी आईसीआईसीआई बैंक में ये कस्टमर गए, ओके, 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2019 को आईसीआईसीआई बैंक ने इनके क्रेडिट रिपोर्ट को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ये जो पर्सन है ये कंज्यूमर लोन ट्राई कर रहे थे। कितने का कंज्यूमर लोन? 1 लाख रुपए का, ओके। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे अमाउंट होगा, इंक्वायरी अमाउंट, और उसका पर्पस होगा। तो ज्यादा करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी का भी सिविल रिपोर्ट निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से निकालते हैं कि पता चले कि वो मतलब क्या क्रेडिट वर्दी है या नहीं, मतलब उसे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक, कितना देना चाहिए, सेकंड, कितना इंटरेस्ट पे देना चाहिए, इंटरेस्ट का इन शॉर्ट रिस्क, क्या रिस्की है या नहीं है, ओके। ये सारी चीजें ना यहीं पर डिफाइन होती है क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो जितनी बार निकालेंगे क्रेडिट रिपोर्ट कंपनीज उतना यहाँ पर इंक्वायरी आएगा। और एक चीज बता दूं, अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिसकी इतनी सारी इंक्वायरी है तो इसका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है लोन हंग्री, ओके, लोन हंग्री या क्रेडिट हंग्री, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऐसे कस्टमर्स के लिए जो बार बार जिसका क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट पुल हो रही है, इंक्वायरी बन रही है। तो ये क्रेडिट हंग्री जो कस्टमर्स होते हैं, तो इनका वजह क्या होता है ना कि ऐसे देखा जाता है कि बहुत ही लोन हंग्री है, सब जगह से क्रेडिट ढूंढ रहे, लोन ढूंढ रहे, तो ये शायद रीपे ना करे या रीपे करने में प्रॉब्लम कर दे, ऐसे बहुत सारे रीजंस देखे जाते हैं, इनका स्कोर गिरता जाता है, ओके। तो इसीलिए किसी भी बैंक में लोन आप तब अप्लाई करें जब सही में जरूरत है, ओके, और अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे देखने के लिए प्रोसेस ना करें, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर नहीं गिरेगा इतना, ओके। और अगर प्रोसेस नहीं हो रहा तो मल्टीपल जगह पे इकट्ठा ट्राई ना करें, ऑलराइट। उसके अलावा एक और होता है इंक्वायरी जो 1 रुपए की होती है, ओके, ये ज्यादा करके कंपनी से की जाती है जिसका इंक्वायरी पर्पस में अदर्स नाम लिखा रहता है और अमाउंट में हमेशा 1 रुपया लिखा होगा। ये क्यों होती है? कोई भी कंपनी में आप जाइए आजकल, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो वो कंपनी आपका क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर चेक करता है,
ओके कि परफॉर्मेंस कैसा है, इससे भी एक आइडिया आ जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है। ओके उस वक्त वो अदर्स में आता है, इंक्वायरी पर्पस अदर्स में जाता है और इंक्वायरी अमाउंट 1 रुपए के अंदर उसको मैप किया जाता है। ठीक है, तो ये था इंक्वायरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इतनी सारी एक्स्ट्रा नॉलेज। देखिए, आप क्रेडिट रिपोर्ट है ना, सिबिल रिपोर्ट आप बेच रहे हो, कंज्यूमर आपके पास आएंगे, आप उनको थोड़ा ये जो चीजें बताएंगे तो क्या होगा, कस्टमर लेंगे, आपसे लेंगे। ठीक है, भले ही ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत सारी साइट है जहां से ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं, मगर क्योंकि आप उनको एक सलाह दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, आप उनको सही रास्ता बता रहे हो, वो क्रेडिट रिपोर्ट परचेज करनी होगी तो वो आपसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब ये जनरेट करना होगा ना अपने को रिमेनिंग रिपोर्ट। अभी जो आपने रिपोर्ट देखी ना, ये बेसिक रिपोर्ट है, इसकी और डिटेल रिपोर्ट निकलती है। तो क्या करना होता है, आप वापस से जाओगे ना अपने सिबिल पे, ओके, सिबिल रिपोर्ट पर, वहां पर कस्टमर का पैन डालना है आपको। ओके, पैन डालने के बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है। आगे आपको आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कस्टमर है, परचेस कर चुके, तो पेमेंट नहीं आएगा। आगे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉपीज रिपोर्ट का, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड, वहां पे 1 दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है आपको 11 रिपोर्ट पेंडिंग है, तो और 11 रिपोर्ट निकाली जा सकती है। ठीक है, तो जबरदस्ती बैठ के रिपोर्ट मत निकालना, 12 ही रिपोर्ट है कस्टमर के पास। कस्टमर को पूछो आप कब चाहिए, उनको एडवाइस करो आप कि आप हर महीने महीने लो, आपका फायदा होगा। अभी आपने एक रिपोर्ट ली, इसके ऊपर काम करो, समझो, नेक्स्ट मंथ वापस निकालो। ऐसे 12 महीनों में 12 बार निकालिए, आप अपना परफॉर्मेंस देखो कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आता है क्लिक टू जनरेट न्यू रिपोर्ट, आप क्लिक करो, एक रिपोर्ट जनरेट होगी, एक काउंटर में एक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आपको ये समझना होगा ना कि मतलब ये सिबिल की रिपोर्ट वगैरह कैसे क्या। आप जाओ माई वीकेएमएस पर, माई डाउनलोड्स पे, सर्विस में आप सिलेक्ट कीजिए फाइनेंशियल सर्विस, सब सर्विस में आप सिलेक्ट करोगे TUCIBIL, यानी कि ट्रांस यूनियन सिबिल। ओके, वो आप सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। आपको एक लिस्ट मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, PDF का, आप उन्हें डाउनलोड करें, पढ़े, आप उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके अलावा इंडक्शन ट्रेनिंग, ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, ये अगर आपको चाहिए, आप जाइए माई वीकेएमएस, माई डाउनलोड्स, सर्विस में आप सिलेक्ट करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, और सब सर्विस में आप सिलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग कोलैटरल। ओके, सबमिट करेंगे, आपको 10-12 PDF दिखेंगे, उसमें से ये रहेगा 7वें 8वें नंबर पर, मॉड्यूल 8 सिबिल रिपोर्ट। ओके, मॉड्यूल 9 है सिबिल रिपोर्ट फ्रॉम भारत इजी ऐप, तो ये 8वें नंबर पे आएगा। तो 8वें नंबर की जो PDF है उसे आप डाउनलोड कीजिए, मॉड्यूल 8 को, उसमें ये सारे स्टेप्स आपको समझाए हैं, पूरा यही इंफॉर्मेशन उसमें भी दिया है, आप उसको वापस से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पहले आप टिकट ट्रेस करो, वो टिकट को ईमेल पे डालिए स्क्रीनशॉट के साथ, डिटेल्स के साथ, भेजिए अपने FRM को ईमेल के ऊपर। ठीक है, वहां पे कुछ नहीं हुआ, वही ईमेल को आप फॉरवर्ड करना, बाद में रुक के फॉरवर्ड कीजिए आप santosh.patole@vakrangi.in, नीचे ही इनका ईमेल है, याद नहीं रहेगा PDF डाउनलोड करके देख लो, आप इनको ईमेल कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ओके, ज्यादा करके इसमें कोई इश्यू आते नहीं है, बहुत ही सिंपल सी सरल सी सर्विस है। कोई भी लोन सीकर है, वो चाहता है रिपोर्ट मिले, 200 रुपये में 12 रिपोर्ट बहुत ही अच्छी होती है, वो ले लेते हैं, आते हैं आपके पास, रिपोर्ट जनरेट होती है, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। बहुत ज्यादा इसमें कुछ चैलेंजेस आते नहीं है, फिर भी अगर कुछ है, आप इन्हें ईमेल लिखे santosh.patole@vakrangi.in। तो ये तो हमारी पूरी ट्रेनिंग सिबिल के ऊपर। ओके, लेकिन अभी हम देखेंगे ये सिबिल की सेम रिपोर्ट भारत इजी ऐप से कैसे आती है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो अभी अभी हम जानेंगे
सेम सर्विस भारत इजी ऐप से कैसे चलेगी? ओके ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है। बहुत सिंपल है, हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ सको भारत इजी ऐप से ये कैसे होता है और इसे आप कैसे कस्टमर को बता के सेम कमीशन भारत इजी ऐप से भी कमा सको। तो दो तरीके होते हैं, कस्टमर आते हैं आपके पास रिपोर्ट खरीदने आप आपके केंद्र पर, राइट? अब वीकेएमएस का इस्तेमाल करके उनके लिए रिपोर्ट दे देते हो, 200 रुपये लेते हो, आपकी 49 की कमीशन बनी। लेकिन अभी आपका वक्रांगी केंद्र एक डिजिटल केंद्र बन गया है, यानी कि भारत इजी ऐप के थ्रू आप सेम सिबिल रिपोर्ट कस्टमर को बोलते हो आप ले लो, 200 रुपये वहीं पर पे करो आप, और आपकी कमीशन फिर भी 49 रुपीज ही बनेगी। यानी कस्टमर भारत इजी ऐप से खरीदेंगे, पे करेंगे और आपकी कमीशन उतनी ही बनेगी। तो आइए देखते हैं। पहले तो आप उनको बोलोगे भारत इजी ऐप को सर आप इंस्टॉल कर लो। ओके अभी इसका क्यूआर कोड है हमारे पास, इसका लिंक हमने दिया है, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो भारत इजी, सर्च कीजिए टॉप में आ जाता है ये ऐप। ओके वो ऐप को कस्टमर इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब इंस्टॉल होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लॉगिन, एक होता है रजिस्टर। ओके तो जैसे ही वो जाते हैं रजिस्टर पे तो वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। सबसे पहला है नाम, उनका पूरा नाम आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, उनका ईमेल एड्रेस, और वो एक पासवर्ड चूज करेंगे, वो खुद सेट करेंगे कि हाँ मुझे ये पासवर्ड चाहिए, वो यहाँ पे एक पासवर्ड डालेंगे। नीचे एकदम आखिर में होगा VKID, ओके लेकिन उनके लिए लिखा है रेफरल आईडी, तो बोलेंगे यहाँ पे रेफरल आईडी है क्या डालू, आप ही बताएंगे उनको। तो ये लीजिए नंबर, ये डालना है आपको अपने रेफरल आईडी के अंदर। ओके क्या है रेफरल आईडी? फ्रेंचाइजी का VKID। तो जैसे ही आप अपना VKID देते हो, उन्होंने यहाँ पे डाल दिया उसे रेफरल आईडी में, कंटिन्यू किए, उनका लॉगिन तो क्रिएट हो गया, ये पूरा का पूरा रेफरल आपको गया। अब इस भारत इजी ऐप में वो जो भी लेंगे उसका कमीशन आप ही को मिलता है, और याद रखिए कमीशन उतना ही है जो केंद्र पे लेने पे मिलता है। यानी अगर इन्होंने सिविल रिपोर्ट ली इनको 200 रुपये ही भरने हैं, और आपका जो कमीशन 49 रुपीज बनता है वो उतना ही बनेगा। यानी वो यहाँ पे जाएंगे, सिबिल स्कोर आपको दिख रहा है डायरेक्टली, क्लिक करेंगे, अभी इनके पास राइट हैंड साइड पे आ गया डिटेल्स, वो अपना पैन नंबर, नाम, अभी जो डिटेल आप ले रहे थे ना वीकेएमएस पे ये खुद डालेंगे। ओके कस्टमर खुद अपनी डिटेल भरेंगे ऐप में। ओके डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें उन्होंने डाल दी, एक्सेप्ट एंड सबमिट, आगे गए पूरी डिटेल्स डाली, एक्सेप्ट एंड सबमिट कर दिया, उसके बाद में पेमेंट, अभी ये अपने ऐप पे खुद ही पेमेंट भी करेंगे। ओके पेमेंट होने के बाद में उनको रिसीट भी मिल जाएंगी। अब वो खुद ही अपना सिबिल रिपोर्ट भारत इजी ऐप से देख सकते हैं, तो उनको सिबिल स्कोर दिखाई देगा, उनको वहां से ऑप्शन आएगा व्यू रिपोर्ट, आप उनको समझा दीजिए काउंटर के बारे में कि 12 रिपोर्ट होती है, आप साल में पूरे 12 ले सकते हो, आप बार बार निकाल दोगे पूरे 12 इकट्ठे एग्जॉस्ट हो गए तो हर महीने एक निकाले। ओके और फिर उन्होंने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा वो रख सकते हैं, और याद रखिए सिबिल रिपोर्ट जो इनके पास आती है तो उसका जो पासवर्ड है, उसे ओपन करने का जो पासवर्ड है वो उनका खुद का पैन नंबर होता है कैप्स में, तो जो भी उनका पैन होगा ना उनको वही डालना है, कैपिटल लेटर में डालना है बस। तो ये हो गया, उन्होंने अपनी सिबिल रिपोर्ट खोली और अपनी रिपोर्ट वो देख पाएंगे। हम रिपोर्ट पहले ही देख चुके हैं इसीलिए मैं वापस से रिपोर्ट का कॉपी नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे। इनको sibil.report@vakrangi.in से डिटेल रिपोर्ट ईमेल पर मिलेगी। ओके अब इनको डिटेल रिपोर्ट या नेक्स्ट रिपोर्ट कैसे निकालनी है, ये वापस जाएंगे सिबिल स्कोर पे, अपना पैन डालेंगे, एक्सेप्ट एंड सबमिट करेंगे, तो इनके लिए अभी डायरेक्टली काउंटर खुलेगा, काउंटर में दिख रहा होगा कि एक रिपोर्ट है, जितनी रिपोर्ट जनरेट हुई है और अवेलेबल कितनी है।
नीचे ही ऑप्शन होता है क्लिक टू जनरेट रिपोर्ट, जैसे क्लिक करेंगे एक और रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो उन्हें ये समझा दीजिए कि आप जितनी बार करोगे उतनी रिपोर्ट कम होते जाएगी, 12 ही है आपके पास, ठीक है। बस इतना ही है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए बहुत इजी है, भारत इजी ऐप, उनको बताना है अपनी वीके आईडी, उनको बोलनी है डालने के लिए, देख लो बराबर डाल रहे, कंटिन्यू करो, उसके बाद वो जितना भी कुछ करेंगे उस पे आप ही को कमीशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कोई इश्यू है वही वीके एम एस पे जाइए, माई सपोर्ट रिक्वेस्ट रेस कीजिए, एफ आर एम को ईमेल लिखिए, इनकी डिटेल होती है आपके वीके एम एस के होम पेज पर। ईमेल लिखते वक्त वही रिक्वेस्ट नंबर, टिकट नंबर ईमेल पे डालिए, स्क्रीनशॉट डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, भेज दीजिए एफ आर एम को, वो कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज देंगे। फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो एक दो दिन रुक कर वही ईमेल फॉरवर्ड कीजिए हमारे स्टाफ को, santosh.patole@wakrangi.in। ओके, ऐसे ही एस्केलेशन मेट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, आप देखो कि कितना इफेक्टिवली आपका इशू रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इतना ही था सिबिल रिपोर्ट, ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट की ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। अब हम